हेलो दोस्तों, इजी टू डिजाइन में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे किसी भी स्केच ज्योमेट्री में प्लेन कैसे इंसर्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नॉर्मली हमारे पास तीन प्लेन होता है, फ्रंट प्लेन, टॉप प्लेन और राइट प्लेन। इसके अलावा हमें कोई प्लेन इंसर्ट करना हो तो कैसे करेंगे? हम एक स्केच ज्योमेट्री बना लेते हैं तो उसके लिए हमें एक प्लेन सेलेक्ट करना होगा। इसे हाइड कीजिए। तो हम टॉप प्लेन सेलेक्ट कर लेते हैं स्केच। रेक्टेंगल कमांड की मदद से एक फ्री हैंड सेंटर रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। एग्जिट स्केच कीजिए। अब हम यहाँ पर प्लेन इंसर्ट करेंगे तो फीचर्स पर क्लिक करें और रिफरेंस ज्योमेट्री के नीचे एक एरो है, इस पर क्लिक करें और प्लेन पर क्लिक करें। दोस्तों, कोई भी प्लेन इंसर्ट करने के लिए आपको रेफरेंस देना होगा, जैसे कि फर्स्ट रेफरेंस, सेकंड रेफरेंस और थर्ड रेफरेंस। फर्स्ट रेफरेंस के लिए पार्ट के बगल में एक छोटा सा एरो है, इस पर क्लिक करें। तो हम फर्स्ट रेफरेंस में टॉप प्लेन सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हमने स्केच टॉप प्लेन पे किया है। यहाँ पे मेनी टाइप्स के प्लेन इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे पैरेलल, परपेंडिकुलर, कोइंसाइड, एंगल पे और डिस्टेंस पे और मिड प्लेन। तो हम एक एक करके देखेंगे कि कैसे इंसर्ट करेंगे। परपेंडिकुलर पे क्लिक करें और सेकंड रेफरेंस में हम ये लाइन सेलेक्ट करेंगे और ओके कीजिए। तो ये देखिए, परपेंडिकुलर प्लेन इंसर्ट हो गया। इसे डिलीट कीजिए। रेफरेंस ज्योमेट्री प्लेन, फर्स्ट रेफरेंस में टॉप प्लेन, दूसरा कोइंसाइड, ओके कीजिए। ये सेम प्लेन होगा जिस पे हमने स्केच किया था। डिलीट कीजिए। रेफरेंस ज्योमेट्री प्लेन, फर्स्ट रेफरेंस, टॉप प्लेन। अब एंगल, हम एंगल पे प्लेन क्रिएट करेंगे। एंगल आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनपुट करें, जैसे हमें 50 डिग्री पे इंसर्ट करना है और इसमें दूसरा रेफरेंस, सेकंड रेफरेंस में हम ये लाइन सेलेक्ट करेंगे। अगर हमें दूसरा डायरेक्शन में चाहिए तो डायरेक्शन चेंज करने के लिए इसमें एक ऑप्शन दिया गया है फ्लिप अपसेट का, इस पर क्लिक करें। तो देखिए, ये नीचे की तरफ आ गया, हमें ऊपर की तरफ ही रखना है, तो इसे अनटिक कीजिए। और उसके बाद नंबर ऑफ प्लेन, कि आप कितना प्लेन इंसर्ट करना चाहते हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ओके। तो देखिए, 50 डिग्री पे हमने 7 प्लेन इंसर्ट किया। इसे डिलीट कीजिए। रेफरेंस ज्योमेट्री प्लेन, फर्स्ट रेफरेंस में टॉप प्लेन। अब डिस्टेंस पे प्लेन क्रिएट करेंगे। डिस्टेंस का डायमेंशन आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनपुट कीजिए। तो हमें यहाँ पे 40 mm पे
प्लेन इंसर्ट करना है। तो देखिए ये 40 mm पे इंसर्ट हो रहा है। आप चाहें तो इधर इसका डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, फ्लिप अपसेट में ये रिवर्स डायरेक्शन हो गया। हमें ऊपर की तरफ ही चाहिए तो इसे अनटिक कीजिए। उसके बाद नंबर ऑफ प्लेन कि आप कितना प्लेन इंसर्ट करना चाहते हैं, 2, 3, 4, 5, ओके कीजिए। तो ये देखिए 5 प्लेन इंसर्ट हो गया 40 mm के डिस्टेंस पे। आप जो भी प्लेन पे स्केच करना चाहते हैं उस पर क्लिक करें। जैसे हम इस प्लेन पे स्केच करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे और स्केच पे क्लिक करेंगे और नॉर्मल व्यू। यहाँ पे हम एक सर्किल ड्रॉ कर लेते हैं। एग्जिट स्केच कीजिए। तो देखा दोस्तों हमने कितनी आसानी से प्लेन इंसर्ट किया और हम जो भी प्लेन पे चाहें स्केच कर सकते हैं। बहुत आसान है, आप प्रैक्टिस करते रहें। दोस्तों हमें बताएं आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है, लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।